हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इफेक्टिव फ्लाइंग में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट वन जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, बीएससी पार्ट वन की जूलॉजी को तीन पेपर में डिवाइड किया गया है। आइए सबसे पहले हम उन तीनों पेपर की क्या देख लेते हैं, टाइटल नेम देख लेते हैं कि कौन कौन से तीन पेपर हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। ओके, तो जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट का जो टाइटल नेम है वो है लोअर नॉन कोऑर्डिनेटा। लोअर नॉन कोऑर्डिनेटा में हमें कहां तक पढ़ना है, फाइलम प्रोटोजोआ टू हेलमिंथ। ठीक है, जो पेपर फर्स्ट है उसका टाइटल नेम क्या है कि लोअर नॉन कॉर्डेटा, और इसमें हमें पढ़ना कहां से कहां तक है, फाइलम प्रोटोजोआ, यानी पहला जो फाइलम है वो कौन सा है, प्रोटोजोआ, और कहां तक पढ़ना है इसमें, हेलमिंथ तक। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पेपर है, पेपर सेकंड का जो टाइटल नेम है वो है हायर नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, क्या है, हायर नॉन कॉर्डेटा। क्या नाम है, हायर नॉन कॉर्डेटा, और हायर नॉन कॉर्डेटा में क्या पढ़ना है, यानी हमें सेकेंड पेपर में क्या कहां से कहां तक पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है यहां फाइलम एनेलिडा से लेकर के कहां तक पढ़ना है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा और लास्ट पेपर है, यानी पेपर थर्ड में हमें पढ़ना है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। क्या पढ़ना है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो बीएससी पार्ट वन की जूलॉजी में हमें कुल टोटल पेपर्स कितने पढ़ने हैं, तीन पढ़ने हैं। उनके नाम जो है वो आपके सामने है, क्या क्या उनके नेम है। पेपर फर्स्ट का जो नेम है, टाइटल नेम है, वो है लोअर नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, क्या है, लोअर नॉन कॉर्डेटा, और यहाँ पे हमको कहां तक पढ़ना है, फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के कहां तक पढ़ना है, हेलमिंथ तक पढ़ना है। ठीक है, और जो दूसरा पेपर है उसका टाइटल नेम है हायर नॉन कॉर्डेटा, और यहाँ हमको क्या पढ़ना है, फाइलम एनेलिडा से लेकर के कहां तक पढ़ना है, इकाइनोडर्मेट तक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा पेपर है वो किसके रूप में है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के रूप में। कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे और जेनेटिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि लोअर नॉन कॉर्डेट यानी पेपर फर्स्ट में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यानी हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आइए देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो बीएससी पार्ट वन की जूलॉजी है उसको कुल टोटल तीन पेपर में डिवाइड किया गया, और जो तीनों पेपर थे उनके हमें क्या पता चल चुके हैं, तीनों के टाइटल नेम पता चल चुके हैं। अब हमको क्या देखना है, जो पेपर फर्स्ट है उसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो जिस प्रकार पार्ट वन की जूलॉजी को तीन पेपर में डिवाइड किया गया है, उसी प्रकार जो पेपर फर्स्ट है जूलॉजी का उसको यूनिट में डिवाइड किया गया है, और टोटल कितनी यूनिट में उसको डिवाइड किया गया है, टोटल चार यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस यूनिट में हमें क्या चीज पढ़नी है। ओके, तो जो अब हमने बताया कितनी यूनिट हमें पढ़नी है, चार यूनिट। तो हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट। ठीक है,
यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। किसके बारे में हमें पढ़ना है? फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। कहने मतलब जो कुछ भी पढ़ेंगे वो चीजें हमारी कहां की होंगी? फाइलम प्रोटोजोआ की। अब फाइलम प्रोटोजोआ में हमें टाइप स्टडी के रूप में कुछ एनिमल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से एनिमल पढ़ने हैं? तो यहां पे हमको पढ़ना है यूग्लिना, यूग्लिना के बारे में पढ़ेंगे एज ए टाइप स्टडी, पैरावीसियम, यूग्लिना हो गया, पैरावीसियम हो गया, और किसके बारे में पढ़ेंगे? मोनोसिस्टिस, ठीक है। तो जो यूनिट फर्स्ट है वहां पे हमें फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है, और प्रोटोजोआ से कुल 3 एनिमल लिए गए हैं एज ए टाइप स्टडी के रूप में, और वो तीनों एनिमल कौन कौन से हैं? एक है यूग्लिना के बारे में हमें पढ़ना है, पैरामीसियम के बारे में हमें पढ़ना है, और किसके बारे में हमें पढ़ना है? मोनोसिस्टिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरी यूनिट में क्या पढ़ना है, आइए उसको भी देख लेते हैं लोग, ठीक है। जो सेकेंड यूनिट है उसमें हमको पढ़ना है फाइलम पोरीफेरा के बारे में। इसके बारे में हमें पढ़ना है, फाइलम पोरीफेरा के बारे में। और जो है यहां से एक एनिमल एज ए टाइप स्टडी के रूप में हमको पढ़ना है, वो क्या है? साइकॉन है, बहुत फैमिलियर एनिमल है, ठीक है। तीसरी यूनिट क्या है? तीसरी यूनिट में हमें पढ़ना है सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में। इसके बारे में हमें पढ़ना है फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में, और सीलेंट्रेटा में भी हमको 2 एनिमल एज ए टाइप स्टडी के रूप में पढ़ने हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक है ओविलिया, ठीक है, ओविलिया हो गया, और दूसरा एनिमल है आरिलिया, ठीक है। इसके बाद हमने बताया 4 यूनिट है, तो एक और बस्ती है यूनिट 4, ठीक है। यूनिट जो यूनिट 3 है इसी में आपको एक चीज और पढ़ना है, फाइलम टेनोफोरा, ठीक है। क्या पढ़ना है इसके बारे में? टेनोफोरा के बारे में, टेनोफोरा के बारे में भी पढ़ना है, और टेनोफोरा का हमें क्या पढ़ना है? साइलेंट फीचर, ठीक है। यानी फाइलम टेनोफोरा का हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? साइलेंट फीचर पढ़ना है, यहां से हमें कोई भी टाइप स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। अब आती है यूनिट 4, यूनिट 4, यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है? फाइलम प्लैटीहेल्मिंथीस के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है फाइलम प्लैटीहेल्मिंथीस के बारे में पढ़ना है, और यहां से हमको कुछ टाइप स्टडी भी करनी है, और वो टाइप स्टडी किसके रूप में है? एक टाइप स्टडी रूप में हम लोग पढ़ेंगे फैसियोला, फैसियोला हिपैटिका के बारे में, और दूसरा है टेनिया सोलियम, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? प्लैटीहेल्मिंथीस के बारे में, वहां से 2 टाइप स्टडी है, एक फैसियोला हिपैटिका है और दूसरा कौन सा है? टेनिया सोलियम है। और यहीं पे हमको और भी चीजें पढ़नी है एस्केहेल्मिंथीस के बारे में, या हम लोग कह सकते हैं निमेटीहेल्मिंथीस के बारे में पढ़ना है। यहीं पे फोर्थ यूनिट में और भी पढ़ना है निमेटीहेल्मिंथीस, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है? निमेटीहेल्मिंथीस, और यहां से भी एक टाइप स्टडी है, वो किसके रूप में है? एंसाइलोस्टोमा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है हमें, एंसाइलोस्टोमा के बारे में, ठीक है।
तो ये सब जो यूनिट है, चार यूनिट थी, उसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है ये बताया गया। लेकिन अब हम लोग क्या क्या चीजें, इन सारे जो चीजें बताएंगे इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग उसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यूनिट फर्स्ट दिया गया, जैसे हम यूनिट फर्स्ट देख रहे हैं, तो यूनिट फर्स्ट में आप हमने बताया प्रोटोजोआ होगा, प्रोटोजोआ से हमको तीन एनिमल पढ़ने हैं, तो क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे हम लोग, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे बताया गया कि फाइलम प्रोटोजोआ हम लोग पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे उसका, प्रोटोजोआ का क्या पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर, ठीक है, जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, कोई भी टाइप स्टडी करने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, उस पर्टिकुलर फाइलम का जनरल कैरेक्टर और उस पर्टिकुलर फाइलम का क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। इतना काम करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे किस पे, टाइप स्टडी की तरफ बढ़ेंगे। अब जैसे अब हम लोग मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल, ये सारे यूनिट में यही केस अप्लाई होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग यूग्लिना के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यूग्लिना के बारे में सबसे पहले हम लोग इसकी क्या देखेंगे, सिस्टमेटिक पोजीशन, ठीक है, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में देखेंगे, फिर हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे उसकी फिजियोलॉजी, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन, और क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट। लेकिन ये डेवलपमेंट क्या होता है कि अभी जैसे फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा जाता है, तो कह सकते हैं एज आउटलाइन, यानी डेवलपमेंट इन आउटलाइन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि यानी जो पेपर फर्स्ट है उसको कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है, चार यूनिट में डिवाइड किया गया है। अब वहां पे चारों यूनिट में, एक पहले यूनिट में हमको प्रोटोजोआ पढ़ना है, जो दूसरी यूनिट है वहां पे हमको पूरी फेरा पढ़ना है, और पूरी फेरा से एक टाइप स्टडी साइकॉन के रूप में करनी है हमें। उसके बाद जो तीसरी यूनिट है वहां पे हमको सिलेंट्रेट्स के बारे में जानना है, और सिलेंट्रेट्स से हमको दो एनिमल पढ़ने होंगे, एक ओविलिया होगा और दूसरा क्या है, आरिलिया है। और उसी तीसरी यूनिट में हमको एक फाइलम पढ़ना है छोटा सा, टेनोफोरा, उसके सिर्फ और सिर्फ हमको क्या जानना है, साइलेंट फीचर के बारे में जानना है। उसके बाद जो चौथी यूनिट है वहां पे हमको क्या पढ़ना है, फाइलम प्लेटी हेलमेंथीस, और प्लेटी हेलमेंथीस से क्या पढ़ने हैं, दो एनिमल पढ़ने हैं, यानी एक फैसियोला हिपेटिका होगा और दूसरा क्या होगा, टीनिया सोलियम, और उसी में क्या पढ़ना है हमको, एक एसके हेलमेंथीस या सॉरी निमेटी हेलमेंथीस के बारे में पढ़ना है, जैसा सिलेबस में दिया गया निमेटी हेलमेंथीस के बारे में पढ़ेंगे, और निमेटी हेलमेंथीस का एक एनिमल एज अ टाइप स्टडी के रूप में हमें पढ़ना है, वो कौन सा है, एनसाइलोस्टोमा। क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, हमने एज अ एग्जाम्पल के रूप में यूग्लिना को लिया, यानी यूनिट फर्स्ट से एक एग्जाम्पल हमने लिया था। तो सबसे पहले जो यूनिट पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए यूनिट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है, प्रोटोजोआ की चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर जानेंगे। ठीक है, जनरल कैरेक्टर क्या है, उसके सामान्य लक्षण क्या है, उसका क्लासिफिकेशन जानेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जनरल कैरेक्टर वगैरह जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, जैसे यूग्लिना पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग इसका सिस्टमेटिक पोजीशन जानेंगे, उसके बाद हम उसका हैबिट एंड हैबिटेट जानेंगे। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट के बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी, वो है कैसा। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे वहां पे, और फिर क्या होगा, हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, और उसके बाद उसका फिर डेवलपमेंट आगे कैसे होता है उसके बारे में बहुत और जानेंगे। ठीक है,
तो ये रहा आपका बीएससी पार्ट वन का, जूलॉजी का